आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एसी जीके के तहत भूगोल की होगी। यहाँ पे हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का टेस्ट देना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, चार विकल्प, तो आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब कि हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये पूछा गया है। आपके ये चार विकल्प है, ग्रेडेटेड, श्रीलंका, जांजी बार और सोकात्रा। ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड री एग्जाम में पूछा गया था, ये है इसका एग्जाम डेट। देखिए, इस तरह के वीडियो देखने से आपको फायदा ये होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन किस तरह की परीक्षा में यूपी ट्रिपल एसी ने पूछा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि अगले परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, इन्हें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखिए, ये है श्रीलंका, सबसे बड़ा जो द्वीप है यह है श्रीलंका। अगर आप बात करें हिंद महासागर की तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसकी एरिया आप देखेंगे तो यह है 7, ये इतना वर्ग किलोमीटर है, यानी कि यह विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महासागर है। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, जो आप ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुनते हैं ये आखिर में है क्या। देखिए, यहाँ पे चार विकल्प है, आपके पास 2 सेकंड होगा। तो यह एक प्रवाल भित्ति है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 में पूछा गया था। अगला है कि जापान में होन्सू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब हर देश में द्वीप होते हैं तो जापान में कई द्वीप हैं लेकिन एक द्वीप है होन्सू, तो ये प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, कोयला, तेल, लौह अयस्क या फिर हीरे। ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था और चूंकि होन्सू तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है कि ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है, ग्रीनलैंड, ये क्वेश्चन विधान भवन रक्षक 2/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर या फिर उत्तरी अंटार्कटिका। तो ये है अंटार्कटिका में, और अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाए तब क्या होगा आपका, नॉर्थ अंटार्कटिका और साउथ अंटार्कटिका, तब आपका क्या उत्तर होगा। हमने आपके लिए 50-50 कर दिया, आधा क्वेश्चन हटा दिया और सही उत्तर है नॉर्थ अंटार्कटिका। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है, कौन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। देखिए, अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो यह है कि ग्रीनलैंड है और ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो अगर इनमें से आप देखेंगे तो यह आपका जो उत्तर है ये होगा सी। अगला है कि ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट 11/12/15 में पूछा था। देखिए, अगर आप भूगोल को देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एसी भूगोल के क्वेश्चनों का प्रयोग अधिकतर हार्ड परीक्षाओं में करता है। हार्ड परीक्षा कहने का क्या मतलब है, जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है। अगर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट, तो इस तरह के पेपर में बहुत कम प्रयोग होता है, या फिर अगर प्रयोग होता है तो आसान क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर आप कोई अच्छा पेपर दे रहे हैं अगर यूपी ट्रिपल एसी का, तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयार रहना होगा। तो ग्रेनाडा देखिए स्थित है ये कैरेबियन सागर में। अगला है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है, कौन है जो कि मेल खाता है। यहाँ पे आपको चार दिया गया है, मतलब कि एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील। तो कहा गया है कि कौन है जो कि सबसे बड़ा है अपने यहाँ का, अपने यहाँ का सबसे बड़ा। जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा इंडिया थोड़ी है, एशिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है एरिया के हिसाब से ये क्या है, चीन। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो रूस है, लेकिन बात की गई है एशिया की, तो एशिया में जो सबसे बड़ा है ये चीन होगा। अगर सबसे छोटा पूछ ले तब मालदीव होगा। उसी तरह अफ्रीका, अफ्रीका में जो अगर सबसे बड़ा आप देखेंगे तो ये है अल्जीरिया, सबसे छोटा है म्यांटो, तो ये भी गलत है। उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा है ये है कनाडा,
और सबसे छोटा है वो सेंट पियर है। अगर आप दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे बड़ा है यह है ब्राजील, और सबसे छोटा है फाकलैंड द्वीप, फाकलैंड द्वीप। अब देखिए क्वेश्चन कहा था कि बताइए कि कौन अपने महाद्वीप में सबसे बड़ा है, जो कि नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों ऊपर वाले गलत थे, ऑप्शन नंबर डी सही था। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है ये पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में 23/18 पहले शिफ्ट में। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 4 शिफ्टों में हुई थी, 22 और 23 दिसंबर 2018। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, एरिया के हिसाब से बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो अगर एरिया की बात करें तो यह है एशिया। एशिया में और दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रखते हैं, पहला है चाइना और दूसरा है इसके बाद से इंडिया। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 22/12 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा कि सवाना घास के मैदान, और आप कोई भी ट्रिक मार करके आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पता नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो पूछने का स्टाइल है ये थोड़ा निराला है। ये है यूरोप में, क्योंकि अफ्रीका में तो है ही, और आप अफ्रीका मार के आगे बढ़ गए होते। अगर आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नहीं देखेंगे तो यहाँ पर भी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन विधान भवन रक्षक के 2/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए अगर सबसे बड़ा महाद्वीप में देखेंगे आप तो सबसे पहले तो एशिया है, ठीक। ये संसार का लगभग 30% भाग पे है। यहाँ पे पूछा गया है चौथा, तो चौथा है बताइए कौन, अफ्रीका। ये भी ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इस तरह की वीडियो देखने का आपको जो फायदा मिलेगा यही मिलेगा कि को जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ये गलत टाइपिंग है, इसका दक्षिणी अमेरिका होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप होगा दक्षिणी अमेरिका। अगर आप एरिया के हिसाब से देखेंगे तो पहले है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, हमने इसको गलती से चौथा बता दिया था, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। तो चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये होगा एशिया, यह आबकारी सिपाही 15/25/16 में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है। अगर आप ऐप पे जाएंगे, अगर आपको ऐप का सही लिंक नहीं मिल रहा है तो चैनल पे जाके आप देखेंगे तो ऊपर जो आपको बोर्ड दिखता है यहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, अबाउट सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप डाउनलोड करिए या फिर वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट का भी लिंक होगा, तो वहां पे आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन ऐसा महाद्वीप है जिसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। यह है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, और यह है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था। देखिए अगर सबसे छोटा पूछ लिया होता तब तो सभी लोग बता दिए होते, लेकिन एक नाम है, उपनाम है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर कितने परसेंट ताजा जल उपलब्ध है, ताजा जल। देखिए ताजा जल कहने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। ताजा जल कहने का क्या मतलब है, क्या बता पाएंगे, मतलब कि कितने परसेंट ऐसे जल हैं जो कि एक तरह से फ्रेश है, खारा नहीं है। यह है लगभग लगभग केवल 3%, लोअर एग्जाम में पूछा गया था। यह निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, कौन है इसमें से, सभी में जल आता है तो कौन है जो कि जल संसाधन का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर एग्जाम में। आप देखेंगे कि भूगोल के जो भी हार्ड क्वेश्चन है ये हार्ड लेवल के एग्जाम में ही पूछे जा रहे हैं। यह है झील। आगे बढ़े तो अगला है कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, मतलब बादल कैसे बनते हैं। कहने का सीधा मतलब यही है कि बादल कैसे बनते हैं, जैसे पानी, जब बारिश होता है तो पानी आ गया जमीन पे, लेकिन ये पानी ऊपर जाकर के फिर बादल बनाता है कैसे, तो ये होता है संघनन।
इसको आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था 39 के सेकंड शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठा पानी कहाँ से आपको मीठा पानी मिल सकता है? महासागर से? बिल्कुल नहीं। खारा मिलता है सागर से? बिल्कुल नहीं। खारा मिलता है, खारा पानी तो खारा ही है, यानी कि आपको मीठा पानी मिलेगा नदी से। ये लोअर एग्जाम में पूछा गया था। मेरियाना खाई यानी कि मेरियाना गर्त के बारे में आपने सुना होगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना खाई के बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो बताइए ये किसके लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, और ये प्रसिद्ध है सबसे गहरी बिंदु के लिए। पृथ्वी पे जो सबसे बड़ी खाई है, सबसे ज्यादा गहरी खाई है, ये है मेरियाना गर्त। अगला है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? जावा ट्रेंच, कुल मिला के बताइए कि जावा ट्रेंच है कहाँ पे? ये आबकारी सिपाही में पूछा गया था, आबकारी सिपाही में, और ये है हिंद महासागर में। इसकी गहराई कितनी है बता सकते हैं? 7,725। इससे पहले आपने इसको देखा था, तो इसका 11,000 से अधिक है। अगला है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? अभी ये क्वेश्चन आया था, सबसे गहरा बिंदु हिंद महासागर में, और यह है मरीना ट्रेंच। इसकी गहराई कितनी है? 8,407 मीटर। अगला है कि शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? जैसे हर जगह कई तरह की हवाएं हैं, कहीं गंदी हवाएं बहती हैं, कहीं ठंडी हवाएं, कहीं गर्म हवाएं, तो उनका अपना अपना नाम है। तो सांता आना एक हवा है जो कि शुष्क होती है, तो ये कहाँ बहती है यही पूछा गया है। ये बहती है कैलिफोर्निया में, ये UDLDA में पूछा गया था। अगला है कि समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? जैसे समुद्री जल है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 100% खारा है, उसमें जितना नमक होगा उतना ही खारा होगा, तो ये परसेंटेज होता है 3.5%। ये राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है? ये क्वेश्चन अमीन में पूछा गया था। देखिए सारे हार्ड लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये है डेड सी यानी कि मृत सागर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? सबसे छोटा पूछ लिया गया है, तो सबसे छोटा है अटलांटिका महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है बता सकते हैं? प्रशांत, प्रशांत के बाद अटलांटिका, उसके बाद हिंद, उसके बाद आर्कटिक। अटलांटिका नहीं, आर्कटिक है, क्योंकि अटलांटिका तो दूसरे ही नंबर पे आ जाता है। अगला है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ पर स्थित है? मतलब कि जैसे अपने यहाँ हिमालय है, उसी तरह यूरोप में जो उच्चतम पर्वत शिखर हैं उसमें एक है माउंट एल्ब्रस, और जब हम रूस की बात करते हैं तो इसका नाम आता है, यानी कि यह है रूस में। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं कि वर्ल्ड में थार है, हमारे यहाँ इसी तरह सहारा है, तो उसी तरह तनामी के बारे में पूछा गया है, और यह है ऑस्ट्रेलिया में। लोअर एग्जाम पहले शिफ्ट। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? गर्म गर्म रेगिस्तान कहाँ पे? अभी आपने देखा तनामी के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, तो गर्म है सबसे ज्यादा सहारा। सहारा ये देखिए, ये सहारा कई देशों में है, थार आपके इंडिया में है और राजस्थान में। इसके अलावा जो सहारा की बात कर रहे थे, ये चाड, अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, मोरक्को, ये सारे कई देशों में फैला हुआ है। गोभी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो गोभी है मंगोलिया में। मंगोलिया में ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? कजाइल कुम, देखिए कजाइल कुम को आप देखेंगे तो ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, और ये एक तरह से आप एक जगह नहीं कह सकते हैं, ये उज्बेकिस्तान में है और ये तुर्कमेनिस्तान में भी है। मतलब जहाँ पे दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब बोलते हैं, तो दोआब के बाद ही ये पड़ता है, और ये दोनों में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा गया था UP SSC के द्वारा,
या और इसका जो उत्तर होगा ये होगा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या फिर पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। हमने आपको बताया था कि अल्जीरिया आता है, तो आपको बताना है कि कौन है जो कि नहीं आता है। यह है नाइजीरिया। राज्य मंत्रिपरिषद में पूछा गया था यह क्वेश्चन। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूर स्थित है? यह है माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो, देखिए ये जो इक्वाडोर है ना, ये विषुवत रेखा पे वहां पे स्थित है। और आप देखेंगे कि पृथ्वी तो गोल है नहीं, ये दीर्घ वृत्ताकार है, और इसीलिए इसकी दूरी ये सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिए हिमालय के यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, लेकिन जो सर्वोच्च ऊंचाई की बात की गई है यह 8,848 मीटर। यह क्वेश्चन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? मतलब उच्चतम तो होना चाहिए लेकिन वो एशिया में नहीं होना चाहिए, ये बताइए। यह है अकांकागुआ पर्वत। अकांकागुआ पर्वत यह है कहाँ पे? कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। यह क्वेश्चन विधान भवन रक्षक में पूछा गया था। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यह है एंडीज। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया था। देखिए एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, ये आप याद रख सकते हैं। मरुद्वीप संबंधित है किससे? मरुद्वीप, मरुद्वीप, मरु मतलब कि रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान वाले द्वीप को आप मरुद्वीप बोल सकते हैं। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपरदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क होने का यह ऐसा क्यों होता है? जैसे जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे दूर दूर तक पेड़ नहीं होते हैं, तेज हवा बहेगी तो मिट्टी कट जाती है, जो बालू है वो उड़ जाते हैं, तो उसी को कहा गया है। तो इसका मेन कारण है अति चराई। अति यहाँ पे वनस्पतियाँ हट जाती हैं और इसीलिए यहाँ पे हवा भी अपने साथ अपरदन करने लगता है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है, बताइए। ये आपका ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला, तो अभी आपने देखा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वेनेजुएला में, और यह है एंजिल। एंजिल जलप्रपात के बारे में आप जानिए, यह 997 मीटर है, और यह है वेनेजुएला में। अगला है कि भूकंप के निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? जैसे भूकंप तो विनाशक होता ही होता है, लेकिन इसमें तीन तरंगें होती हैं, तो कौन है जो कि सबसे ज्यादा विनाशक है? देखिए इसमें पी और यस दो तरह की तरंगों के बारे में आप देखते हैं वैसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं सतही तरंगे। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या फिर शिफ्ट होने के कारण भूकंप होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो भूकंप आता है, ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्राम विकास अधिकारी के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 23 दिसंबर के। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।